नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हाल ही में प्रशासन द्वारा लिए गए लॉकडाउन के फैसले की आज से शुरुआत हो चुकी है। 15 मार्च से 21 मार्च तक इस लॉकडाउन को जारी किया गया है, जिसके चलते नागपुर के कई शहरों में संचार बंदी लगा दी गई है। उसी इलाके में से एक वैरायटी चौक से हमारे मुख्य संवाददाता मुकेश हेडाऊ से हम रूबरू होकर जानते हैं वहां के क्या हालात है। तो मुकेश जी, आज से सख्ती का लॉकडाउन लगाया गया है, क्या हालात है, क्या स्थिति है नागपुर की? जी, जो है सुबह से हम नागपुर के आज जो लॉकडाउन जो लगाया गया है उसका जायजा ले रहे हैं। सुबह 8 बजे से वीकेबी न्यूज़ की टीम वैरायटी चौक हो या फिर वो महल का क्षेत्र हो या फिर इतवारी का जो अनाज बाजार हो वहाँ का जायजा लिया है। सुबह सुबह अगर बात की जाएगी तो लग रहा था कि ये कड़क लॉकडाउन होगा, मतलब एक तरह से सख्ती बरती जाएगी। जिस तरह से दिशा निर्देश जो पुलिस ने दिए थे उसी के अनुरूप लगा था कि ये सख्त लॉकडाउन होगा, लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया पूरे नागपुर के सड़कों पर आज कि ये सख्ती नहीं बरती गई। लोग कहीं घूमते हुए दिखे, लोगों को कोरोना का डर नहीं दिखा। एक बात पर हम और गौर करना चाहेंगे कि दुपहिया वाहन पर डबल सीट कोई नहीं घूम सकता। हालांकि वीकेबी न्यूज़ की टीम जो कैमरा पर्सन और रिपोर्टर की जो टीम थी वो सिंगल सिंगल घूम रही थी, लेकिन कई सारे लोग देखे गए कि दुपहिया पर घूमते हुए दिखाई दिए, डबल सीट घूमते हुए दिखाई दे, ट्रिपल सीट घूमते हुए दिखाई दे। वही नागपुर के मोमिनपुरा का हाल अगर देखेंगे तो नागपुर के मोमिनपुरा का हाल काफ़ी बुरा था। वहाँ पर लोग जमावबंदी किए गए थे और कई सारे जो लोग जो थे जो सड़क पर घूम रहे थे, वाहतुक जो पुलिस है उन्होंने, जो यातायात पुलिस है उन्होंने वहाँ पर सख्ती की और किसी का सामान भी उठाया। कई सारे अनाउंसमेंट होने के बाद में पूरे नागपुर का हाल आज हम बताएंगे यहाँ पर कि जिस तरह से जो सख्ती बरतनी चाहिए थी वो नहीं बरती गई, जिसके कारण हम इस वक्त वैरायटी स्क्वायर पर है। वैरायटी स्क्वायर का नज़ारा बता रहे हैं। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ पर खोली गई है और जिस तरह से लोग यहाँ पर आए हुए आप देख सकते हैं कि टू व्हीलर पर जो एक फैमिली है, मानते हैं कि फैमिली है तो कैसी जाएगी, टू व्हीलर पर बेखौफ होकर लोग दुपहिया वाहन पर डबल सीट जा रहे हैं। और बस में भी, जो कि महानगर पालिका इतना सचेत करते रहती है कि जो अपनी बस है उसमें भी कई तरह की जो कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, ये सारे हालात यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में हम ये कहेंगे कि सख्ती केवल सिर्फ बोलने तक ही सीमित थी नागपुर पुलिस की, वो कहीं दिखाई नहीं दी। जोया, तो जैसे कि आपने कहा कि लोग सड़क पर हैं, क्या कर रही है हमारे नागपुर शहर की पुलिस? जी, नागपुर शहर की पुलिस की अगर बात की जाएगी तो दो दिन पहले ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से दिशा निर्देश जो पुलिस आयुक्त ने दिए थे, अमितेश कुमार ने दिए थे कि सड़क पर जो कोई ऐसे ही घूमते हुए दिखाई देगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन वैसी कार्रवाई नहीं की गई। हम भी उसका विरोध करते हैं कि कड़ी कार्रवाई नहीं, क्योंकि जिस तरह से लास्ट टाइम जो कि डंडे बरसाए थे वो भी कहीं ना कहीं हमें दुख होता है सारी चीज़ों का कि पब्लिक पर जो डंडे जो बरसते उसका हम कहीं ना कहीं खेद करते। लेकिन जो लोग फालतू घूम रहे, जो लोग घूमने आए हुए हैं, जो लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे, जो दुपहिया वाहन पर डबल सीट घूम रहे, उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई होते हुए नहीं दिखाई दी, और कहीं हुई भी तो भी काफ़ी कम प्रमाण में हुई। वही अमितेश कुमार जी सुबह ही वैरायटी स्क्वायर पर आए थे, जो पुलिस आयुक्त हैं उन्होंने कहा था, लोगों से निवेदन किया, DCP विनीता साहू ने निवेदन किया, बावजूद इसके लोग खुलेआम घूम रहे। कहीं ना कहीं नागपुर पुलिस का फेल्योर हम कहेंगे इन सारी चीज़ों को देखते हुए। कई जगह गेट लगाए गए, कई जगह पुलिस तैनात की गई, बावजूद इसके पुलिस का खौफ नागपुर की जनता में नहीं दिखाई देता, यही हम कहेंगे। जोया सर, वैसे लॉकडाउन को लेकर काफी जनता में भ्रमित, मतलब जनता भ्रमित है, तो इस पर इसकी क्या वजह? ऐसी बात है कि एक साल जो बीता है, 2020 जो बीता हुआ है उसमें जो लॉकडाउन लगाया गया था और कई सारे लोगों के रोजगार चले गए। हालांकि उसके पहले जो लॉकडाउन का जो मतलब था, लोग समझ नहीं रहे थे कि लॉकडाउन अर्थात होता है क्या। लेकिन कोरोना का जो काल जो बीता है नागपुर पर नहीं पूरे देश पर जो बीता हुआ है, उसके कारण कई सारे लोगों के रोजगार चले गए, कई सारे लोगों को अपने रोजगार चेंज करने पड़े, कई सारे लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। उसके बाद में कहीं कहीं जो शिथिलता जो आई हुई थी सितंबर महीने के बाद में, तो हमने देखा कि वो भी धीरे धीरे
जीवन जो पटरी पर आ रहा था, व्यापार फलता फूलता दिखाई दे रहा था, उन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए कहीं कहीं लग रहा था कि अभी सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। लेकिन फरवरी और मार्च आते आते लोगों ने भीड़ जुटाना शुरू कर दिया, वही जो कि नियम जो है कोरोना के वो उन्होंने उसका अनुपालन नहीं किया, उसी का खामियाजा आज हमको भुगतना पड़ा है। क्योंकि हालांकि पालक मंत्री ने कहा था कि लॉकडाउन ये पर्याय नहीं है, लॉकडाउन हम किसी भी हालत में नहीं लगाएंगे, लेकिन जो पिछले कुछ दिनों से जो आंकड़े जो बढ़ रहे हैं, नागपुर में एक समय ऐसा आया हुआ था कि करीब 1000 या 1200 तक एक्टिव पेशेंट का ये पहुँच गया था, लेकिन आज की अगर बात की जाएगी तो एक दिन में, पिछले दो दिनों से एक दिन में करीब 2000 के ऊपर कोरोना मरीज आ रहे हैं। और उसी का खामियाजा के चलते जो कि संकेत जो दिए गए कि 15 से 21 मार्च तक का लॉकडाउन लगाया गया था, और जिसमें कहा गया था कि लोग भीड़भाड़ ना करें, लोग एक दूसरे से दूर रहे, लोग घर पे रहे, उसमें व्यापार और बाकी की चीज़ों भी प्रभावित हुई है। और उसी को देखते हुए आज 15 मार्च का जो दिन है, हालांकि दुकानें नहीं उगड़ी हुई है, अत्यावश्यक सेवाएं शुरू है, बावजूद इसके लोगों का इस तरह से घूमना और लोगों का इस तरह से आना जाना एक अपने आप में सवाल खड़े कर देता है कि फिर से नागपुर में कोरोना तो नहीं बढ़ने वाला है। जोया, आज वीकेबी न्यूज ने कहाँ कहाँ दौरा किया, क्या क्या खामियां देखी? सुबह से मैं और मेरे कैमरा पर्सन राजेश जंगीतवार जी, हम दोनों साथ में हैं, सुबह 8 बजे से लगे हुए इन सारी चीज़ों को देखते हुए। हमने सबसे पहले तो वैरायटी चौक का दौरा किया, तो वैरायटी चौक पर जो नागपुर का जो मुख्य बाजार आता है सीताबर्डी, वहाँ पर सारी दुकानें बंद थी। हालांकि कुछ किराना दुकानें वगैरह जिनको परमिशन मिली थी वो खुली हुई थी, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात दिखाई दी कि यह हार्ट ऑफ द सिटी आता है। हार्ट ऑफ द सिटी बोलने के यहाँ पर कई सारे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जाने के लिए कर्मचारी आए हुए थे, लेकिन उनको जब बताया गया कि कुछ जिला परिषद के कुछ लोगों ने भी हमें कॉल किया कि दुपहिया पर उनको चालान किया गया, तो हमने भी उन्हें बताया कि यहाँ पर कि जब वीकेबी न्यूज़ की टीम, कैमरा पर्सन और रिपोर्टर अलग अलग घूम सकते हैं, तो आप क्यों नहीं जा सकते? तो ऐसी थोड़ी से लोगों में खेद हुआ कि जो चालान जो किया गया उनको, तो सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर तो हालात सही थे, लेकिन जिस तरह से हमने इतवारी और जो सोनार ओली और फिर अनाज बाजार और फिर मोमिनपुरा का दौरा किया, तो कई लोग हमें घूमते हुए दिखाई दे। हालांकि लोग घर के बाहर भी बैठे हुए या फिर अपने शॉप के बाहर भी बैठे हुए तो झुंड लगाकर बैठे हुए थे, मतलब 4 या 5 लोगों का। तो उन लोगों से हमारी हिदायत है कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि कोरोना का जो खतरा है वो केवल एक खतरा नहीं है, लेकिन कोरोना के कारण जिस तरह से जो जनजीवन प्रभावित हुआ है, उन सारी चीज़ों के वजह से हम चाहते हैं कि लोग जो त्रिसूत्री जो इस बातें जो बताई गई है, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और नियमों का पालन करते हुए ही इन सारी चीज़ों को भगाया जा सकता है, इन कोरोना से जंग जीती जा सकती है। जोया जी, बिल्कुल आपने सही कहा मुकेश जी, लेकिन क्या लॉकडाउन के अलावा कोई और पर्याय नहीं है? जी बिल्कुल, हो सकते थे लॉकडाउन के अलावा भी पर्याय हो सकते थे, लेकिन लॉकडाउन लगाना जो कार्य जो होता है वो प्रशासन के अधीन होता है। हालांकि जिस तरह से जो जनजीवन जो पिछले वर्ष जो प्रभावित हुआ था 2020 में, उसी का खामियाजा कहीं और आगे में हमें ना भुगतना पड़े, क्योंकि यहाँ से भी अगर एक हफ्ते में कोई चीज़ अगर कंट्रोल नहीं होती तो मजबूरन इसको एक्सटेंड किया जाएगा और इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। ये नागपुर की जनता को समझना पड़ेगा। पर्याय बहुत से हो सकते थे, हम कुछ शक्ति ला सकते थे, जैसे पिछले समय में ऑड इवन किया गया था, ईस्ट और वेस्ट की दुकानें खोली जा सकती थी, एक दिन ईस्ट की खुलती थी, एक दिन वेस्ट की खुलती थी, उससे भी काफ़ी प्रभाव पड़ा था, वो भी एक पर्याय हो सकता था। या फिर जिस तरह से सैटरडे संडे को जिस तरह से बाजार पूरी तरह से बंद रखे गए थे, वो ना करते हुए शाम को 5 बजे तक ही व्यापार रहेगा और उसके बाद में पूरी तरह से बंदी, तो ऐसे कई सारे सवाल जो थे वो व्यापारियों ने अपने तरफ से दिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है। जिस तरह से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होनी चाहिए थे और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बाद में जिस तरह से उसका पालन करना चाहिए था, क्योंकि पिछले बार हमने देखा कि जो कोविड पेशेंट आता था उनके घर पर एक बोर्ड लगा दिया जाता था ताकि लोग उसमें सचेत रहे, उनसे दूर रहे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। होम आइसोलेशन किया गया है किसी बंदे को जो कोविड पॉजिटिव आया है, लेकिन वो होम आइसोलेशन करने के बाद में उस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है, वो बंदा जा रहा है
मार्केट में घूम रहा है, अपने दोस्तों से मिल रहा है, हालांकि उसके दोस्तों को भी पता नहीं है कि वो बंदा पॉजिटिव है। ऐसे में संक्रमण तो बढ़ने वाला था, निश्चितता, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी खामियां है इन सारी चीज़ों के पीछे जो वो छुपा रही है और जिसका खामियां जो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि लॉकडाउन के अलावा भी बहुत से पर्याय हो सकते थे, लॉकडाउन पर्याय नहीं है, हम यही कहना चाहेंगे। जो तो ये थे हमारे वीकेबी न्यूज के मुख्य संवाददाता मुकेश हेडाउ जी, जो वैरायटी चौक का आंखों देखा हाल हमें बता रहे थे। तो लॉकडाउन के सफर में आज इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।